सो हेलो गाइस, दिस इज अवनीश एंड वेलकम टू टेक टर्मिनस। तो सोचा यार एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें मैं लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 15AL6 मींस 15.6 इंच वाला वेरिएंट एंड लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 14 इंच वाला वेरिएंट दैट इज द 14AL6। तो ये दोनों लैपटॉप को मैं कंपेयर करने का सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं TN और IPS पैनल को भी डिस्टिंग्विश कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको जनरल स्पेक्स दिखा देता हूँ, जैसे आपको प्रोडक्ट रेफरेंस सेंटर में ले जाके दोनों ही लैपटॉप का ऑलमोस्ट सभी स्पेक्स सेम है। यहाँ पर आपको राइजन 5500U का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोनों ही लैपटॉप में आपको 8GB का रैम देखने को मिलता है, जिसमें 4GB शोल्डर रैम है एंड 4GB इज रिमूवेबल रैम, मीन्स आप रिमूव करके अपग्रेड कर सकते हैं और मैक्सिमम ये लैपटॉप में आप 12GB तक रैम इंसर्ट कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर स्टोरेज सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो 512GB का NVMe M.2 SSD देखने को मिलता है और यहाँ पर SSD के कोई एक्स्ट्रा स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो आपको रिप्लेस करके अपग्रेड करना पड़ेगा और आप मैक्सिमम 1TB तक यहाँ पर SSD प्लेस कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर आप जानते हैं हर सभी पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। टाइप सी पोर्ट रहेगा दोनों ही लैपटॉप में, वहाँ पर आप सिर्फ डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे। बैटरी के बारे में बात करूँ तो वही 3 cell 45 watt hour का बैटरी देखने को मिलता है एंड दोनों ही लैपटॉप में ऑलमोस्ट सेम ही बैटरी है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर फिंगरप्रिंट रीडर का। आप 15.6 इंच वाला वेरिएंट लोगे तो वहाँ पर आपको बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है, लेकिन कोई फिंगरप्रिंट रीडर नहीं दिया गया है। वही आप 14 इंच का लैपटॉप लेंगे तो वहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट रीडर भी साथ में देखने को मिलता है। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ 14 इंच मॉडल। बाकी मैंने दोनों ही लैपटॉप का अनबॉक्सिंग अपने चैनल पर अपलोड किया है तो आप इन डेप्थ वहाँ पर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो का मोटिव बिल्कुल सिंपल है, मैं यहाँ पर IPS, TN और VA पैनल को डिस्टिंग्विश करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, TN का फुल फॉर्म होता है ट्विस्टेड नेमेटिक और वही IPS का फुल फॉर्म होता है इन प्लेन स्विचिंग। तो हर पैनल में एक रिस्पॉन्स टाइम रहता है, तो जितने भी गेमर्स हैं ना वो TN पैनल का डिस्प्ले प्रीफर करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको लेस देन 1 millisecond का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है। सो भैया रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम मतलब हमारा जो CPU मॉनिटर को आउटपुट देता है उसे दिखाने में कितना वक्त लगता है पैनल को। तो सबसे कम वक्त लेता है TN पैनल, तो यहाँ पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है। वही VA पैनल में आपको 4 to 5 millisecond का रिस्पॉन्स टाइम और IPS में 1 to 2 millisecond का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है। इन टर्म्स ऑफ कलर रिप्रोडक्शन, यहाँ पर जो TN पैनल है वो लेस कलर प्रोड्यूस करते हैं, लाइक यहाँ पर आपको पुअर कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वही VA पैनल थोड़ा अच्छा दिखाता है और IPS थोड़ा और आपको अच्छा देखने को मिलता है। कॉन्ट्रास्ट के बारे में बात करूँ तो VA पैनल में सबसे बेस्ट कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, बाकी IPS और TN पैनल का कॉन्ट्रास्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है। इन टर्म्स ऑफ विविंग एंगल्स, IPS पैनल और VA पैनल आपको काफ़ी अच्छा विविंग एंगल्स प्रोवाइड करते हैं, वही आपको TN पैनल उतना अच्छा विविंग एंगल्स प्रोवाइड नहीं करते। विविंग एंगल अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो आप सामने से देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा कलर दिखेगा, लेकिन आप जैसे ही साइड से देखते हैं, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, ऊपर से, नीचे से, तो आपको बिल्कुल कलर शिफ्ट देखना मिलता है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं दोनों ही 15.6 इंच का लैपटॉप है। एक है लेनोवो आइडियापैड 330S जो मैं 2017 में लिया था और राइट साइड वाले लैपटॉप में आपको IPS पैनल का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 250 निट्स का ब्राइटनेस है और 45% NTSC का कलर गैमेट। वही लेफ्ट साइड में आपको स्लिम 3 देखने को मिलता है जो राइजन 5 5500U के साथ आता है और यहाँ पर आपको TN पैनल का डिस्प्ले देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो राइट साइड में लैपटॉप है उसमें अच्छे कलर्स दिख रहे हैं, वही लेफ्ट साइड में थोड़े आपको डल सा कलर देखने को मिलता है। बाय द वे आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको ऐसा कोई मेजर डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता, TN पैनल में थोड़ा व्हाइटिश टाइप मेरे को देखने को मिला। वही आप IPS पैनल में देखिएगा कलर्स बिल्कुल एक्यूरेट शो करते हैं, सो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बाकी अगर आप स्टूडेंट हो और आपका बजट अराउंड 43,641 है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 TN पैनल के साथ भी ले सकते हैं, हर सच कोई इशू नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डिस्प्ले क्वालिटी में, और भी मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये है लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 जो TN पैनल के साथ आता है, यहाँ पर आपको 250 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है एंड 45% AC का कलर गैमेट, मींस कितना कलर रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर भी आपको अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले देखने को मिलता है, उतना भी बेकार नहीं है जितना लोग मार्केट में हाइप बना के रखें कि TN पैनल बेकार रहता है। अगर आप स्टूडेंट है तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका काम इजिली हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। तो ये है आपके कुछ TN पैनल के वीडियो क्वालिटी सैंपल, यू कैन इजिली सी दैट। साइड से देखिएगा थोड़ा कलर बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है, साइड से आपको उतना मजा नहीं आएगा TN पैनल में, लेकिन हम स्टूडेंट है तो साइड से कौन देखते हैं, हम जनरली फ्रंट साइड से ही वीडियोस देखते हैं या अपना वर्क करते हैं, तो ऐसा सच आपको कोई इशू नहीं आएगा। बाकी मेरे को तो अच्छा लगा SVA पैनल का भी डिस्प्ले क्योंकि यहाँ पर प्राइस भी मैटर करता है,
क्योंकि ये लैपटॉप हमको 43,641 में मिल रहा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज़ कर ही सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्ले क्वालिटी। और मैं आपको स्लिम 3 14 इंच वाले का भी डिस्प्ले दिखाता हूँ। लेनोवो का दोनों लैपटॉप है, एक IPS पैनल का डिस्प्ले है जो राइट साइड में है और एक TN पैनल का डिस्प्ले है जो लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर जो IPS पैनल है वो अच्छे कलर्स रिप्रोड्यूस करते हैं, वही जो TN पैनल है वो थोड़ा आपको वाइटिश टाइप का कलर रिप्रोड्यूस करता है और साइड से बिल्कुल बेकार व्यूइंग एंगल्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो स्लिम 3 14 इंच वाला वेरिएंट आता है वहाँ पर आपको लिटरली बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 14 इंच फुल HD IPS पैनल का डिस्प्ले देखने को मिलता है विथ 300 nits ब्राइटनेस। दैट्स द ग्रेट डिस्प्ले, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर जो कलर एक्यूरेसी है वो भी काफ़ी अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू TN पैनल डिस्प्ले। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग ये सब वर्क करना चाहते हैं तो TN पैनल बिल्कुल कंसीडर ना करें। IPS पैनल इज द बेस्ट पैनल फॉर ऑल योर क्रिएटिव वर्क, और आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा आपको कलर्स मिल रहे हैं लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 14 इंच वाले वेरिएंट में। और ये लैपटॉप का हैवी डिमांड के कारण यार कब से आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, मैं भी वेट कर रहा हूँ ये लैपटॉप कब स्टॉक पे आए, और बहुत से लोगों का डिमांड है भैया ये लैपटॉप कब स्टॉक में आएगा। लेकिन अभी ये अमेजोन में 52,000 में अवेलेबल है। तो गाइज मेरा यही ओपिनियन रहेगा, अगर आपका बजट है अराउंड 43,641 या अंडर 50,000 तो जरूर आप TN पैनल भी कंसिडर कर सकते हैं, सच कोई इशू नहीं है डिस्प्ले में। बाकी आप देख सकते हैं फ्रंट से बिल्कुल सही लगता है, सच कोई इशू नहीं है, फुल HD डिस्प्ले है तो पिक्सल्स काउंट की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अच्छे पिक्सल्स आपको नजर आएंगे। और आप थोड़ा साइड से देखते हैं या बॉटम साइड से देखते हैं या टॉप कॉर्नर से देखते हैं तभी आपको इशू आएगा इन टर्म्स ऑफ द व्यूइंग एंगल्स, बाकी ऐसा सच कोई इशू नहीं है। और दोनों ही लैपटॉप काफ़ी बवाल मचा के रखा है मार्केट में एट द प्राइस ऑफ 50,000। डेफिनेटली आप ये लैपटॉप के साथ जा सकते हैं और अभी ऑफर्स भी चल रहे हैं तो ये लैपटॉप आपको ओनली 43,641 में मिल जाएगा। सो आई होप गाइज आपको क्लियर हो गया होगा IPS और TN पैनल में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। बाकी ऐसा सच कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, जो मेजर डिफरेंस है वो है सिर्फ कलर रिप्रोडक्शन एंड व्यूइंग एंगल, सो नोट दैट। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार।